हेलो गाइस, सभी भाई को राम राम। तो आज भाई हम जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी लेके बल्लमगढ़, जहाँ पे बॉडी बनती है उनके पास। क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि वहाँ पे हमारा ट्रस्ट बनेगा और जो गाड़ी में साइड में माल वगैरह लटकाने का सिस्टम है ना, वो सब बनवाने वाले हैं, ताकि हम कांवड़ यात्रा में जो ले जा रहे हैं अपना माल 12 बजे से या 10 बजे से, तो हम उसी में साइड में लटकाएंगे माल। तो वो सारा कुछ बनाने के लिए हम बल्लमगढ़ निकल रहे हैं यहाँ से। तो मेरे साथ है भाई राहुल और मैं, सिर्फ दो ही बंदे जा रहे हैं गाड़ी लेके, और उसके बाद वहीं पे छोटा मोटा काम कराएंगे, वो चीज़ सब चीज़ दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है कांवड़ यात्रा की। और उसके बाद आप बताना भाई, कुछ और नया चीज़ देखना हो तो उसके लिए भी कमेंट में बताना। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और, कि भाई जो तुम कमेंट जो करते हो कि इसका इंटरव्यू लो, उस डीजे वाले को लो, तो भाई मैं कॉल करता हूँ, किसी को भाई के पास टाइम नहीं रहता, किसी के पास कोई बंदा अपने काम में लगा पड़ा इसलिए इंटरव्यू आ नहीं पा रहा। जैसे वो बंदे फ्री होके मुझे जैसे कॉल करते हैं या फिर मैं कॉल करता हूँ जब फ्री होते हैं, तो तुरंत मैं इंटरव्यू ले लूँगा। तो ऐसा मत सोचना कि भाई तुम कमेंट कर रहे हो तो मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है कि बंदे फ्री नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की हर डीजे वाले अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं 2-4 हफ्ते के लिए अभी बाहर का ब्लॉग बंद कर रखा है, अपनी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद भी आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग मिलने को तैयार मिलेगी आपको, और शायद वो चीज़ भी दूंगा जो चीज़ शायद आप घर बैठे बैठे देखना चाहते हो कि हाँ मेरे को ऐसा देखना, कैसे काम होना है, ये सारी जानकारी वगैरह मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाऊंगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना भाई, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपन का हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। चलते फिर निकलते हैं यहाँ से बल्लमगढ़ की। और फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी बन रही है, देख सकते हो। पर बारिश आ रही है, बारिश के कारण अभी काम वगैरह रुका पड़ा है। तो फाइनली भाई बैठे हुए हैं सारे के सारे, हमारे उस्ताद जी गए हुए हैं अभी ऊपर, ये राहुल बैठे हैं। पहचाना? हाँ, तुझे क्यों नहीं पहचानेंगे, तुझे कोई भूल गया तो हो गया। तो भाई अब देखते हैं भाई हमारी गाड़ी में कब लगता है हाथ, जब बारिश वगैरह बंद हो जाएगी तो उसके बाद दिखाएंगे किस तरीके से तैयारी चल रही है। पत्तियाँ लग गई है भाई, अब हवा निकलने के लिए। तो भाइयों हमारी गाड़ी में जो जाल वगैरह लगने वाले थे वो बन चुके हैं, ट्रस के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है, ट्रस हमारे 3-4 दिन में बन के आ जाएंगे। बाकी गाड़ी में हमने पैकिंग वैकिंग कर दी है, देख सकते हो गाड़ी का हमने ये जंगला बनाया, पेंट वगैरह भी करवा दिया और साथ में इस तरीके। तो भाई छोटा सा ब्लॉग है आज तक के लिए। क्यों राहुल, और राहुल ऐसी हालत हमारी किस लिए हुई है भाइयों को बताओ? मेहनत ज्यादा हुई है, एक तो बारिश ऊपर से फिर धूप फिर कीचड़ देख सकते हो भाई, कीचड़ वगैरह काफी ज्यादा है, तो इसी में आना जाना काम कराना बारिश भी हो रही थी, इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है हमारी। तो आज तक के लिए ब्लॉग इतना ही, छोटा सा ब्लॉग बनाया भाई क्योंकि अपनी गाड़ी की भी तैयारी कर रहे थे। बाकी भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम कांवड़ यात्रा में ऐसी ऐसी वीडियो डालें, कैसे माल लटका लें, कैसे क्या चीज़ हर चीज़ दिखाने को बनता है अपना। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करना भाई, तो सभी भाई को जय श्री राम, जय श्री राम।